बिहार में उपचुनाव खत्म होते ही जदयू में बड़े बदलाव और बड़े फेरबदल की बातें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जदयू दोनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाई। गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया, लेकिन जदयू के अंदर फेरबदल की जो बातें सामने आ रही है, जदयू के अंदर इसको लेकर बवाल होना भी तय है। इसलिए कि जब फेरबदल होगा तो कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कई लोग सामने आएंगे। और जिसमें खबर निकलकर सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर भी चर्चा है और जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव भी हो सकता है। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जदयू झारखंड में सांगठनिक चुनाव शीघ्र कराएगी। हजारीबाग के अनिल सिंह राज्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो जदयू है उसको लेकर कई खबरें निकलकर सामने आई, और जब से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं संगठन में फेरबदल को लेकर भी चर्चा सामने आ रही है। ऐसे में पार्टी के निर्वाचन पदाधिकारी सह राज्यसभा सदस्य अनिल प्रसाद हेगड़े ने झारखंड राज्य के विभिन्न स्तरों पर पार्टी सांगठनिक चुनाव को संपन्न कराने के लिए हजारीबाग के अनिल सिंह को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में उन्होंने पत्र जारी करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो अनिल सिंह को सूचित कर दिया गया है। पार्टी के प्रवक्ता सागर कुमार के अनुसार 9 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना, इसके बाद झारखंड के में सांगठनिक बदलाव होगा, संगठन का चुनाव होगा। आसू पार्टी की बैठक गुरुवार को 11 बजे से रांची के हरमू रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में होगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी विधानसभा प्रभारी, जिलावार जो प्रभारी होंगे उनकी मौजूदगी में ये चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जहां आजसू इस चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, झारखंड में अपने आप को मजबूत कर रही हो, तो जनता दल यूनाइटेड भी समझ रही है कि क्षेत्रीय दलों को मजबूत होना होगा और झारखंड में जो वास्तविक परिस्थिति है वहां की सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार अस्थाई है और अस्थाई सरकार को लेकर अब सभी लोगों का ये फैसला है कि अपने संगठन को मजबूत किया जाए ताकि जब चुनाव का ऐलान हो तब उन्हें मदद मिल सके। और इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और जल्द ही झारखंड चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड फैसला लेगी। खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो दिल्ली में होने वाला है उसको लेकर भी फैसला लिया जाना तय माना जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से बदले जाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा और कौन कौन से वो लोग हैं जो इस रेस में शामिल है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। या ये हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाएं, हो सकता है नीतीश कुमार को फिर से अध्यक्षता करने का मौका मिले। इसलिए कि ललन सिंह की वापसी के बाद जदयू में लगातार मतभेद देखने को मिल रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।